हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता अकैडमी चैनल। पिछली मेरी वीडियो में तुसी 10th क्लास CBSE बोर्ड 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर किया सी। आज मैं तुम्हें 1.1 का सैकेंड सम करा जा रहा। शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+3 सॉरी इतने 5 है बच्चे। वेयर क्यू इज द सम इंटीजर, हाँ जी कहता भी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसनों आप 6Q+1 6Q+3 और 6Q+5 की फॉर्म से लिखना है तो क्यू की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। हाँ जी अपन किवें करांगे बच्चों, आप दो वैल्यूज ले लें ए एंड बी। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू आप 6 ले जाने। यूक्लिड एल्गोरिथम की कहता अपन बच्चों जो उस फॉर्म से लिखिए ए इज इक्वल टू 6Q+R की फॉर्म से लिखना है। क्यू की वैल्यू कह रहे हैं बच्चे वह सम इंटीजर है, इंटीजर मतलब इतने पॉजिटिव की गल कर रहे हैं आप। क्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लै सकते हैं। हाँ जी तो आर की वैल्यू जेडे आ वाला बच्चे अपने को आर है, आर की वैल्यू 0 तो लैके 6 के विचकार लाई करेगी। देखो जी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 अप टू 6 तक हो सकता है। आर की वैल्यू अपना इतने मैनशन कर चुके हैं। हाँ जी फस्ट है जी अपने को 6Q+1, इसमें आप किमें लिख सकते हैं 6Q+1 की लिख सकते हैं 6Q जो आप फैक्टर बनाइए बच्चों, इन आप लिख सकते हैं 2×3Q+1 लिख सकते हैं। हाँ जी जे आप 6Q+3 आप लिखिए तो की लिख सकते हैं 2 × जे आप गल करिए 6Q+2 ब्रैकेट में पा लीए +1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट ओपन करांगे तो अपने को 2+1 3 बन जाएगा, 6Q+3 बन गया है। हाँ जी जे आप 6Q+5 की गल करिए 6Q+2 लिख के आप +3 लिख सकते हैं। इतों तक समझ लग गई बच्चे। हाँ जी इस अगों किस च लिख सकते हैं, जे आप वाली वैल्यू न के मान लीए K1 यह बन गया अपने को 2K1+1 वैल्यू बन गई। जे आप इस लिखिए आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया एक ही बन गया अपने को 3Q+1+1 जेद आप कॉमन ले लिए 2 एक ही बन गया अपने को 3Q+1+3। हाँ जी जे आप हम इन्ह की गल करिए एक केड़ी फॉर्म के बन गया। हाँ जी जे आप K1 की गल करिए K1 की है अपने को, वेयर K1 इज एन इंटीजर। जे आप इतने इस लिख सकते हैं 2K2+1 लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि 3Q+1 है, इसमें आप के फॉर्म के लिख चुके हैं, इसमें आप 2K2+1 लिख दिता। तो K2 की है, K2 इज एन इंटीजर। जे आप थर्ड वन की गल करिए इसमें आप 2K3+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, K3 इज एन इंटीजर। हम जो आप सारे नंबर की गल करिए जो कह रहे हैं 6Q+1 6Q+3 6Q+5 तो एक ही बन गया बच्चे अपने को 6Q+1 6Q+3 6Q+5 इज इन द फॉर्म ऑफ 2K+1 की फॉर्म च बन गया बच्चों, क्योंकि आप 2K+1 आप K1 K2 K3 लैके चले हैं, या आप के ही मान लीए तो सारी रकम अपने को 2K+1 की फॉर्म में बन गई, जो कि है विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जिहड़ा कि 2 नाल पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। आ रकम डिविजिबल हो सकती है पर आ वाली रकम डिविजिबल नहीं है। हाँ जी जो एक्सप्रैशन सी दिस एक्सप्रैशन इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर। हाँ जी बच्चों ये अपना 1.1 10th क्लास का सैकेंड सम। प्लीज़
share my video, like my video and subscribe my video. Thanks and have a nice day.